पूरे देश में सवर्ण आयोग बनाने की मांग को लेकर आज लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय में राजपूत कर्णी समाज ने एक विशाल सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना मौजूद रहे। अपने संबोधन भाषण में मकराना जी ने कहा कि मौजूदा समय में देश का जो माहौल है वह किसी से छिपा नहीं है। देश में बेरोजगारी का माहौल इस समय चरम पर है, खासकर सवर्ण जातियों के जो लोग गरीब हैं और जिनको 2 जून की रोटी जुटाने और सम्मान से जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा, सरकार को उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसी आयोजन में बिहार से पूर्व सांसद आनंद मोहन भी मौजूद रहे, जिन्होंने मकराना जी की बात को आगे बढ़ाते हुए सरकार से मुखर होकर सवर्ण आयोग बनाने की मांग पर जोर दिया, जिससे पूरे देश में चौतरफा गरीब सवर्णों का विकास हो सके। मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि अपने समाज को लेकर चलना चाहिए, अपने समाज से कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए, अपने समाज के साथ खड़ा रहना चाहिए, चाहे कितनी ही दूरी क्यों ना हो, कोई भी प्रोग्राम हो, हम कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे, हम अपने समाज के साथ खड़े हैं। जय राजपूताना, जय भवानी, जय करनी सेना, जय श्री राम। संदेश ये है कि स्वर्ण समाज की हमारी रैली है, प्रोग्राम है, तो स्वर्ण समाज के साथ मुझे सिर्फ एक बात कहना चाहिए कि हमें जिस हिसाब से बांटा गया है राजनीतिक तरीके से, वो चीज़ ना छोड़, मतलब राजनीति को छोड़ करके हमें एक हो जाना चाहिए फिर दोबारा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे स्वर्ण समाज में पूरे पे दिक्कत आ रही है। हम सिर्फ एक जाति की बात नहीं करते, और मैं राजपूत समाज से हूँ तो मैं राजपूत समाज हमेशा स्वर्ण समाज के साथ खड़ा हुआ है, आगे भी खड़ा रहेगा, हमेशा साथ है, साथ ही रहेंगे। इस समय मौजूद हैं रविंद्रालय में, जहाँ पर राजपूत समाज का स्वर्ण सम्मेलन किया जा रहा है, और इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन जी। तो मैं सर आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके पीछे आपका पहला उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि गरीबों की कोई जात नहीं होती, और गरीबी जाति पूछ करके नहीं आती है। तो ऐसे में जो आज़ादी के 77 वर्षों बाद जो आर्थिक सामाजिक तौर पर पिछड़ गए, उन पर सोचना चाहिए। हम लोगों ने इसका पहल किया था बिहार में, मुझसे सत्तारूढ़ दल की जो समझौता वार्ता हुई थी, तो उसमें हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था, और वहाँ सवर्ण आयोग लागू हुआ। वहाँ शिक्षा में, नौकरी में विशेष अवसर दिए जा रहे हैं। तो हम लोगों का ये डिमांड है कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश सहित, वक्त का तकाजा है कि पूरे देश में सवर्ण आयोग का गठन हो, और सवर्णों में जो गरीब लोग हैं उनको नौकरी में, फ्री शिक्षा में, हॉस्टल छात्रावास में विशेष सुविधा दी जाए। मुख्य मकसद यही है। सर, जानना चाह रहे जो कार्यक्रम के माध्यम से आप जो संदेश दे रहे हैं, तो मौजूदा सरकार से आपकी जो अपेक्षाएं वो तो जाहिर हो गई हैं, ये आप चाहते हैं कि सवर्ण आयोग का जो गठन हो, तो ये कितनी जल्दी आप इसमें अपनी मांग को लेकर के आप कहाँ कहाँ और प्रदर्शन करने की आपकी उम्मीद है? ये पूरे देश में हो रहा है। मैं सबसे पहले यहाँ के जो दुर्गेश सिंह दीपू हैं, करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहल किया है, और इसमें एकजुटता की जरूरत है, और पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश की राजधानियों में ये क्रमवार होगा। इसमें मौजूद हैं राजपूत करणी सेना के तत्वाधान में रविंद्रालय में इनका एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के महिपाल मकराना जी। पूरे देश से कई सालों से एक मांग उठ रही थी स्वर्ण आयोग के गठन की। गरीब, आर्थिक पिछड़ा जो स्वर्ण है, उसके लिए स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए, और उनके लिए हॉस्टल सुविधा दे, उनके लिए जो फ्री शिक्षा है उसकी व्यवस्था की जाए। तो हम लोग आज ये एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं उसके लिए। दूसरा, EWS का सरलीकरण जो राजस्थान में हुआ है, उसको मॉडल मानकर पूरे देश में किया जाए। वहाँ पे जो भी मकान की जो एक दुविधा थी, मकान का एक जो बैरियर था, वो हटा दिया गया। एक वहाँ की जो अपने ज़मीन की एक हेक्टेयर से ज़्यादा, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो बैरियर वहाँ हटा दिया गया। तो हज़ारों की संख्या में EWS के सर्टिफिकेट बने, और हज़ारों की संख्या में स्वर्ण समाज के बच्चे गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुए। तो मैं चाहता हूँ ये जो है व्यवस्था पूरे देश में हो, और सरलीकरण उसका किया जाए। हम लोगों ने इसीलिए आज ये स्वर्ण समाज का प्रोग्राम आयोजित किया है, और यहाँ से हम लोग बाकायदा इसकी डिमांड करेंगे। सर, जानना चाह रहे थे आपसे कि इस मौके पर जो है, ये जो कार्यक्रम आपने अभी आपने आयोजित किया है, मौजूदा सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं? अपेक्षाएँ हैं तभी हम लोग यहाँ हैं।
पूरे देश में योगी जी से अपेक्षाएं हैं, हम चाहते हैं वो हमारी अपेक्षाओं पे भी खरे उतरे, क्योंकि 3600 कोम की काम उन्होंने किए हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं, तो हमारा हमारे लिए भी मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि इनके लिए भी वो लोग कुछ करें। सर, जानना चाह रहे थे ये कार्यक्रम जो लखनऊ में आयोजित किया गया है, ऐसा कार्यक्रम और भी शहरों में आयोजित होने की संभावना है या करना चाह रहे हैं? हम लोग तो चाहते हैं पूरे देश में इस तरह की आवाज़ उठे और वहाँ के लोग उठाए, जैसे कि यहाँ एक लखनऊ से आवाज़ आई, हम लोग यहाँ हैं हर जगह से। अगर 10 तारीख को हमने दिल्ली से भी ये प्रोग्राम अभी हमने अनाउंस किया था, 10 दिसंबर को मेरा प्रोग्राम था दिल्ली के रामलला मैदान में, वहाँ से भी हम लोगों ने ये डिमांड रखी है, डिमांड हर जगह से रखी जा रही है, कहीं ना कहीं स्वर्ण उठ रहा है और अपनी जो भी उनकी मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, उसके लिए वो कहीं ना कहीं अवेयर हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ पूरे देश से ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। तो ये थे करणी समाज के जो है मकराना जी, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमसे साझा की और सरकार से इनकी काफ़ी अपेक्षाएँ हैं, आने वाले समय में सरकार से अपनी अपेक्षाओं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रितेश कुमार, TV24 लखनऊ।